राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि ज्योतिष के प्रेमियों तक इसकी जानकारी ज़रूर पहुंचे। चंद्र का सूर्य के साथ संबंध लाल किताब के अनुसार, जैसा भी टेवे में सूर्य होगा, यानी कि जो हालत सूर्य की होगी टेवे में, उसी के अनुसार चंद्र फल देगा। सूर्य अच्छा है तो चंद्र अच्छा है, सूर्य बुरा है तो चंद्र बुरा है, ये शर्त लाल किताब की लिखी हुई है सूर्य और चंद्र के संबंध में। इसके अलावा जो बात लिखी है चंद्र के बारे में कि चंद्र के घर खाना नंबर 4 में कोई भी ग्रह, चाहे वो पाप टोला हो यानी शनि राहु केतु, चाहे नर ग्रह हो सूरज मंगल गुरु, चाहे स्त्री ग्रह हो चंद्र खुद या शुक्र, वह शुभ फल ही देंगे। यानी कि खाना नंबर 4 में अकेला बैठा हुआ ग्रह कोई भी, वह शुभ फल ही देगा खाना नंबर 4 में। इसके अलावा अगर कुंडली में खाना नंबर 4 खाली हो, यानी कि खाना नंबर 4 में कोई भी ग्रह ना हो, अब चंद्र कुंडली में कहीं भी बैठा हो, कैसी ही हालत में हो, जैसे कि बृहस्पति और केतु का संबंध बताया था मैंने आपको, यानी कि उनका मारा हुआ चंद्र, खराब हालात का चंद्र, नीच का चंद्र, या सूरज की हालत से मरा हुआ चंद्र, अब शुभ फल ही देगा। यानी कि अगर खाना नंबर 4 खाली हो तो चंद्र अब कुंडली में कहीं भी बैठा हो वह शुभ फल ही प्रदान करेगा। उस पर अब कोई भी लाल किताब की जो खराब हालातों की फलादेश है वो नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आप ख्याल में रख लें जब भी चंद्र का फलादेश आप करें लाल किताब के अनुसार। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर करें व ज्योतिष के प्रेमियों तक इसे पहुंचाना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। राम राम।